यूपी के फिरोजाबाद में बीजेपी की तिरंगा यात्रा के समय ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बीजेपी नेताओं ने आर्टिकल 370 हटाए जाने पर केंद्र सरकार का धन्यवाद देने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली। लेकिन इस तिरंगा यात्रा के समय ट्रैफिक नियमों की कोई परवाह नहीं की गई। रैली में शामिल ज्यादातर कार्यकर्ता बिना हेलमेट लगाए बाइक चलाते नजर आए। यही नहीं, किसी बाइक में 3 लोग भी बैठे दिखे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की इन कार्यकर्ताओं पर निगाह नहीं गई। हालांकि बीजेपी नेताओं ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने की बात को पूरी तरह खारिज कर दिया। लगा के लोग कुछ कर देंगे, सब कार्यकर्ताओं के हाथ में हेलमेट है। मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव होने के बाद ट्रैफिक नियमों को तोड़ना आम लोगों को भारी पड़ रहा है, लेकिन खुलेआम नियमों को तोड़ते दिखे कार्यकर्ताओं पर पुलिस की निगाह तक नहीं गई। बिहार के बक्सर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर टोके जाने से गुस्साए एक दारोगा की एक आदमी से झड़प हो गई। इस झड़प का वीडियो वायरल होने के बाद दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि वीडियो में साफ दिखा कि बगैर हेलमेट पहने बाइक चलाने पर टोके जाने के बाद दारोगा रोशन कुमार उस आदमी से भिड़ गए। हालांकि दारोगा को टोकने वाले आदमी पर उनके गुस्से का कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद दारोगा ने आदमी का कॉलर पकड़ लिया, जिसका वहां मौजूद लोगों ने विरोध भी किया। घटना का वीडियो बनता देख दारोगा से भिड़ रहे आदमी का हौसला बढ़ गया और दारोगा ने भी जुर्माना भरने की दलील दी। इसके बाद दारोगा ने धक्का देते हुए उसे पुलिस की गाड़ी की ओर ले जाने की कोशिश की, जिसका लोगों ने फिर कड़ा विरोध किया। सर आप क्यों लेके जा रहे हैं, गलत है। लोगों के विरोध के बावजूद पुलिस वाले उसे गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए। वहीं पटना में प्रशासन ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की गाड़ी का चालान काटने का आदेश जारी कर दिया। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद अश्विनी चौबे की गाड़ी पर यह कार्रवाई की गई और गाड़ी में काला शीशा लगाने के साथ ही चेकिंग के दौरान मौके से गाड़ी लेकर जाने के आरोप में चालान काटने का आदेश जारी कर दिया गया। इससे पहले इस मामले में सिर्फ दारोगा को सस्पेंड किए जाने पर आरजेडी ने जेडीयू को आड़े हाथ लेने की कोशिश की। कहीं न कहीं बीजेपी से ये जदयू वाले डर रहे हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं कर। हालांकि जेडीयू ने भी इस मामले पर सफाई देने में देर नहीं लगाई। कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे सामान्य व्यक्ति हो या वीआईपी हो, और उसी के तहत आपने देखा कि अगर वहां पे कार्रवाई नहीं हुई तो बाद में वो सस्पेंड भी हुए। इस बीच मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए बदलाव पर सफाई देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उन्हें भी ओवर स्पीडिंग के लिए जुर्माना भरना पड़ा था। उन्होंने बताया कि मुंबई में बांद्रा वर्ली सीलिंग पर तेज रफ्तार की वजह से उनके घर पर चालान भेजा गया था। अब मैं नाम नहीं लेता, पर अभी हमारे राज्य मंत्री और मुझे भी चालान आया। वर्ली बांद्रा सी पेस पर मुंबई में मेरी जो गाड़ी मेरे नाम पर थी वो हाई स्पीड में जा रही थी, तो मेरे घर में चालान है, मैंने भी फाइन भरा। ये वीके सिंह साहब का भी एक बार